वेलकम बैक टू यू थ्री ची लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.4 के तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें हमारे पास एक तुर्की टोपी दी हुई है। तुर्की एक देश है और उसमें इस प्रकार की टोपी पहनी जाती है। तो तुर्की टोपी जो है शंकु के छिन्नक आकार की है। ये ऊपरी सिरा है, ये निचला सिरा है। तो हमें शंकु के छिन्नक आकार वाले तुर्की टोपी की त्रियक ऊंचाई दी हुई है L 15 सेंटीमीटर, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्थात नीचे का जो सिरा बड़ा है तो ये नीचे से खुली है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, अर्थात टोपी में जो टोपी को बनाने के लिए जो पदार्थ यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमने, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो अब ये पदार्थ कहाँ कहाँ लगा है तो हम ये ध्यान देंगे। तो ये साइड में जो है CSA के पार्ट में लगा है और ऊपरी सिरा बंद है तो ऊपरी सिरे पर पदार्थ लगा है। तो ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस CSA साइड का वक्रपृष्ठ, क्योंकि नीचे से तो खुला हुआ है, तो नीचे से खुला हुआ है तो यहाँ पदार्थ नहीं लगा है। तो ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा? टोपी का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात CSA वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब यहां पर इसको हल करेंगे। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई एल ब्रैकेट R1 जमा R2 प्लस ऊपरी सिरे का। अब हम ये ध्यान देंगे खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, बड़ी त्रिज्या 10 है तो ये R1 हो गई और छोटी त्रिज्या ये R2 कहलाती है तो ये R2 रहेगी। अब ऊपरी सिरे में छोटी त्रिज्या है तो वृत्ताकार सिरा है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की शक्ति 2 तो R2 है, R2² हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, पाई का मान 22/7 गुणा एल 15 सेंटीमीटर गुणा R1 जमा R2 10 प्लस 4 जुड़ जाएगा, पाई 22/7 R2² 4 की शक्ति 2 4 × 4। तो अब इसको हल करेंगे, 22/7 गुणा 15 ये दोनों जुड़ जाएंगे 10 और 4 14 गुणा हो जाएगा प्लस, तो यहां पर ये काट देंगे 7 × 14 ये नहीं कट रहा है तो 4 × 16 16 को 22 से करेंगे 16 × 32 16 × 32 = 35 352/7 ये यहां पर 15 × 30 की 22 से गुणा होगी, इसको नीचे हल करेंगे 22 × 30 हो जाएगा प्लस, इसको हल करेंगे 7 × 5 = 35 न जाने की 0 7 × 14 6 बच जाएंगे 7 और 2 56 ये शुद्ध 9 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे 22 × 66 10 प्लस 50.29। अब इसमें जोड़ेंगे तो 660 में यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दोनों अलग से आएगा इसके साथ, 0 में 0 यहाँ पर 0 आ जाएगी, 5 में 6 जोड़ेंगे 6 × 5 = 11 असल 1 6 और 1 7 तो 710.29 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल आया है। तो क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाएगा। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। तो आशा है यू थ्री के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य शेयर करेंगे। और आपने देखा कि पदार्थ जहाँ जहाँ लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया, तो वक्रपृष्ठ पर लगा हुआ था और ऊपरी सिरे पर, तो दोनों को हमने जोड़ दिया है। स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू।